रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से आमजन परेशान, आज तीसरे दिन भी जारी रही हड़ताल, सरकार को जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की कर रहे हैं बात। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर पिछले एक महीने से संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। रेजिडेंट डॉक्टर की मांगों को लेकर परसों चिकित्सा मंत्री से भी वार्ता की गई थी, लेकिन वार्ता में भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिला, उनकी मांगों पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है कि सरकार हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी करे ताकि आमजन को परेशानी ना हो। हड़ताल की वजह से आमजन को काफ़ी परेशानी हो रही है। कल सरकार से हमारी वार्ता हुई और मीडिया के माध्यम से जो वार्ता चल रही थी, सरकार मीडिया यही पूछ रही थी कि आपका मरीजों पे क्या असर पड़ेगा। तो हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारी जो ये हड़ताल है, जो भी हमारी मांगे हैं, इनका जनता पे कोई असर नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ सरकार से है और सरकार ही हमारी मांगे पूरी कर सकती है। हमारा किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा जनता से संबंधित नहीं है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए हम सरकार से एक बार फिर आपके माध्यम से ये बात भेजना चाहते हैं कि तुरंत हमारी मांगों पर सहमति बनाए ताकि आम जन को आगे कोई परेशानी नहीं हो और हम तुरंत से तुरंत काम पर वापस लौटने के लिए आए। आपका परिचय? डॉक्टर चेतन मेला, RDA अजमेर। और सरकार के मध्य पिछले एक महीने से चल रहा गतिरोध अभी बरकरार है। कल भी सरकार से तीसरे स्तर पर वार्ता हुई, पर सरकार अभी भी सिर्फ आश्वासन पर टिकी है, सिर्फ वादे कर रही है और वादों के भरोसे रेजिडेंट काम पर नहीं आ सकते। अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी मांग की क्रियान्विति नहीं हुई है, कोई भी लिखित समझौता नहीं हुआ है। तो बिना लिखित समझौते के, बिना क्रियान्विति के स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। आज तीसरा दिन हो गया आपकी स्ट्राइक को, अभी तक कोई आगे कोई बड़ा कदम अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं। अभी कार्य बहिष्कार कंटिन्यू है। फिर भी सरकार यदि इसको जारी रखती है, हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, तो फिर हमें मजबूरन और भी कुछ हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा। सर, कल भी वार्ता रही आपकी, किस तरीके की वार्ता रही और क्या निकल के आया सामने? वार्ता यही रही, सरकार सिर्फ राजनीतिक बातें करती है, खोखले वादे हैं, खोखले वादों के भरोसे जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं बन सकते। गुड डे। डॉक्टर गोवर्धन सैनी, वाइस प्रेसिडेंट RDA अजमेर।